दोस्तों, मैं हूँ सद्दाम कादर सैयद। जैसे गवर्नमेंट 50,000 रुपये देने वाली है, माय गवर्नमेंट, माय गवर्नमेंट में एक कंपटीशन चल रहा है। माय गवर्नमेंट में जो वन राशन मतलब राशन कार्ड के ऊपर आपको एक लोगो तैयार करना है, और लोगो तैयार करने के बाद उस कंपटीशन में आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट में 3 व्यक्ति को चुना जाएगा, जिसमें से फर्स्ट प्राइज़ होगा जो 50,000 रुपये, और बाकी जो होंगे उनको गवर्नमेंट तरफ से सतत बना पुरस्कार मिलेगा, और पुरस्कार के साथ साथ उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसको रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे आप माय गवर्नमेंट में, और किस तरह से कंपटीशन में आप ये कर पाएंगे, और इसमें लास्ट डेट इसकी 31 मई लास्ट तारीख है इसकी, और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। माय गवर्नमेंट साइट पर आने के बाद आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पे माय गवर्नमेंट साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे वन राशन कार्ड में 31 मई 2021 लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड और नीचे मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आपका जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए नीचे। मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन ओटीपी को क्लिक कर दीजिए। ओटीपी को क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर डालते ही अब लॉगिन ओटीपी को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब कोई अदर सोशल मीडिया से भी आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेम वो डालना है, फुल नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और जनरल, और फिर बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हो। डालने के बाद इंडिया जो कंट्री आपकी वो कंट्री डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करके डाल दीजिए। जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो मेल फीमेल है वो क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू अकाउंट को ही करना है, क्योंकि हम नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद इस तरह का ये आएंगे आपको, प्लीज़ एंटर द ओटीपी। एक ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पे होगा या तो फिर ईमेल आईडी पे, दोनों में से कोई भी ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर पे नहीं आया तो ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया होगा वो डाल सकते हो आप। जैसे कि मेरे ईमेल आईडी पे आया है, मोबाइल नंबर पे कोई ओटीपी आया नहीं। तो जैसे कि ओटीपी आया है मुझे माई गवर्नमेंट सरकार, मेरी सरकार से, तो ये जो ओटीपी है आपको वहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मैं ओटीपी सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद क्रिएट द न्यू अकाउंट, जैसे कि अकाउंट मेरा क्रिएट हो रहा है, जैसे कि अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हो, या तो फिर आपको मोबाइल पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट करके पासवर्ड भी ये कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डेमो, जैसे कि मैंने डाल दिया है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, और बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ओपन होने के बाद। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कि जो आपकी डिटेल्स है वो दिखाई देंगे, उसके बाद माय प्रोफाइल पे, और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर आपको करंट पासवर्ड, ईमेल आईडी, वो जो भी आपका ये है वो मिल जाएगा, टाइमिंग जोन और लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है, अपलोड द पिक्चर, यहाँ पे आपका फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, और आपको जो भी चेंजेस करना है वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, या तो कोई फ़ोटो अपलोड करके सेव भी कर सकते हो। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके बाद आपको 31 मई को आपको एक अंदर फ़ोटो अपलोड करना है, लोगो अपलोड, आप जिस तरह से आप लोगो बना सकते हैं उस तरह से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जैसे कि